नई सुबह के YouTube चैनल को विजिट करने का शुक्रिया। मजीद मालूमाती मवाद के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा YouTube चैनल या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubha.org। नई सुबह कुकिंग ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद, मैं हूं फिजा हुसैन। और हमारी आज की रेसिपी है चिकन मंचूरियन। चिकन मंचूरियन बनाने के अज्जा: बोनलेस चिकन स्लाइस में कटी हुई आधा किलो, केचप आधा कप, चिली गार्लिक सॉस आधा कप, सोया सॉस 2 टेबलस्पून, गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून या 1 लीमू, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, कॉर्न फ्लोर 1 टेबलस्पून, हाफ कप पानी में घोला हुआ, कुकिंग ऑयल हस्बे ज़रूरत। चिकन मैरिनेट करने के अज्जा: बोनलेस चिकन आधा किलो, लहसुन का पेस्ट 1/2 टीस्पून, काली मिर्चों का पाउडर 1/4 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, कॉर्न फ्लोर 3 टेबलस्पून, ऑयल 2 टेबलस्पून। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद एक कढ़ाई में इस चिकन को डीप फ्राई कर लें। जब चिकन की रंगत चेंज हो जाए और चिकन अच्छे से डीप फ्राई हो जाए तो इसे डिश आउट कर लें। दूसरी तरफ एक सॉस पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल करें, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट शामिल करें। जब गार्लिक पेस्ट अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करें और उसे अच्छे से भून लें। याद रहे, लाल मिर्चों का पाउडर सेकंड्स में जल सकता है, इसलिए लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करने के बाद एक तो चूल्हे की आँच हल्की रखें और बहुत एहतियात से भून लें। इसके बाद इसमें 1 लीमू या 1 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करके चूल्हा बंद कर दें और साथ ही इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1/4 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और हस्बे जायका नमक शामिल कर दें। 3 से 4 मिनट के बाद सॉस पैन का चूल्हा फिर से जलाएं और इसमें 1/2 कप केचप और 1/2 कप चिली गार्लिक सॉस शामिल करें और इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छे से पका लें। जब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पक जाएं और उनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, जो हमने चिकन फ्राई की थी वो चिकन इसमें शामिल करें और चिकन शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करें और स्टर फ्राई करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लोर 1/2 कप पानी में घोला हुआ शामिल कर दें और शामिल करने के बाद इतना पकाएं कि ये सॉस अच्छा सा थिक हो जाए, इतना कि उसको अगर स्पून से हम ड्रॉप करें तो गिर ना पाए। जब ऐसे टेक्सचर में आपका सॉस आ जाए तो समझें आपका मज़ेदार सा स्पाइसी चिकन मंचूरियन तैयार है। इसे फ्राइड राइस या गार्लिक राइस के साथ सर्व करें और एंजॉय करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी। मिलते हैं आपसे नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये मालूमाती मवाद नई सुबह की जानिब से पेश किया गया। अपनी आरा के इजहार के लिए कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में दिए गए राब्ते के ज़राए इस्तेमाल कीजिए।